नगरी की धाम नगरी की सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। एक अयोध्या में ऐसे भक्त आए हुए हैं जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये उत्तराखंड से 15 तारीख को अयोध्या राम की नगरी, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचे हैं साइकिल से यात्रा करके। उसके बाद यहां पर अयोध्या पहुंचने के बाद यहां पर ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक ऐसे यात्रा करते जाएंगे, श्री राम लला के दर्शन को करेंगे। और इनकी भक्त, ये श्री राम के भक्त इतना है इनके अंदर, इतना हर्षोल्लास है, इतनी भक्ति भावना है कि लेकर ये दर्शन कर रहे हैं। इनको आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जय श्री राम का नारा लगाते हुए दर्शन कर रहे हैं। हम इनके साथ जो आए हुए हैं इनके सहयोगी, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे ही आपको मिलाएंगे कि ये लगभग यहाँ पर कब तक पहुंचे हैं और ये ऐसा क्यों इन्होंने थाना है कि क्या वजह रही है कि लेट कर ही हम दर्शन करेंगे, क्योंकि दर्शन एक पैदल के माध्यम से भी किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने थाना है कि हम लेट कर ही राम लला के दर्शन को करेंगे। आइए हम उन तक ले चलते हैं आपको, कि उन्हीं से पूछते हैं कि कैसे, क्या मन में आया, कि क्या भावना आई कि दर्शन ऐसे करने की। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम मनवीर गुज्जर है। कहाँ से हो? मैं बिजनौर से। बिजनौर से हो जी? उत्तराखंड से आए हैं जी। आइए, बिजनौर के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ, आए हैं उत्तराखंड से, मतलब कि हरिद्वार से आए हैं। हाँ। जी, वहाँ से हरिद्वार से जल लाए थे। हाँ। जी, 8 जनवरी को वहाँ से निकले थे। हाँ। और सबसे, और 15 जनवरी को यहाँ आ गए। सबसे ज्यादा इन्होंने जो एक बार दिन साइकिल चलाई थी, ये सीतापुर से यहाँ डोलसा शहर हो जाएगा, सबसे ज्यादा इन्होंने साइकिल उस दिन चलाई थी। अच्छा जी, हाँ। और उसके बाद में जब इन्होंने 23 तारीख को रामलला के दर्शन करे, तो इनके मन में ऐसी श्रद्धा हुई, एक बार उनका फेस देख करके ऐसा लगा कि रोने लगे। अच्छा जी। और जब उनका मन हुआ कि हमें 2-4 बार और दर्शन करने हैं राम जी के, रामलला के जब दर्शन करने हैं, तो जो अब इन्होंने 23 में साइकिल से दर्शन हुए हैं, अब ये 24 में ऐसे जा रहे हैं। अब देखो 2-4 बार कहा है, तो देखो आप कल परसों क्या मिले। फिर इसको एक बार दर्शन कर चुके हैं, लेकिन जाके साइकिल के माध्यम से दर्शन कर चुके हैं जाके रामलला के। आज ये लगभग कितने दूर से चल के आ रहे हैं? अब तो हनुमान गढ़ी से इन्होंने प्रसाद चढ़ाया। हाँ। हाथ में लड्डू है, देख सकते हो आप। अब ये रामलला को जो है लड्डू चढ़ाएंगे। अच्छा, रामलला को और प्रसाद चढ़ाएंगे। जी हाँ। क्या क्या वजह रही, कैसे इन्होंने, कैसे इनका विचार आया कि हमको ऐसे दर्शन करेंगे, हम ऐसे दर्शन करेंगे? एक तरह से जो है खुशी है, क्योंकि खुशी ये है कि हमें रामलला का मंदिर देखने को मिल रहा है, रामलला देखने को मिल रहा है, तो अचानक से ये खुशी होती है। फिर सबसे बढ़िया ये है कि हमारा हिंदू जाग रहा है। अच्छा जी, हिंदू जाग रहा है जी। इसके सबसे बड़ी खुशी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कहाँ से? हम साथ है, बिजनौर से। बिजनौर से ही। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप साथ में लगातार इनके हैं? जी जी जी, हम बस से वैसे आए, ये साइकिल ये साइकिल का है। अच्छा। हाँ, लगभग साइकिल से कितने दिनों में इन्होंने यहाँ पे आता तैयार के पहुंचे? सब वहाँ चले थे, 15 को यहाँ आ गए थे। अच्छा, आप इनके दोस्त वगैरह हैं? हाँ, मैं इन्हीं के गांव का हूँ और ये दोनों दोस्त हैं, और 50 किलोमीटर का इनका गैप है जैसे। अच्छा, ये तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये भक्ति भावना है, किस लोग दर्शन करके जा रहे हैं, किस तरीके से दर्शन करके जा रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन भी लगा हुआ है, बकायदा ये इनको सपोर्ट कर रहा है दर्शन करने में। ये लगातार लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर हनुमानगढ़ी से मंदिर पड़ता है श्री राम लला का, राम जन्मभूमि 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ती है हनुमानगढ़ी से, लेकिन ये इन्होंने अपनी भक्ति भावना इतनी है इनके अंदर, आप लोग देख सकते हैं ये लगातार वहां से लेट कर घिसटते हुए दर्शन करने के लिए रामलला के जा रहे हैं। अभी ये बीच में उठेंगे जब, तब हमसे भी बात करेंगे कि क्या वजह रही और क्या कोई प्रण था या केवल श्रद्धा थी दर्शन करने की। और भी लोग हम ऐसा देख सकते हैं कि पब्लिक यहाँ पर कितनी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, लोग जयकारा लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। किस तरीके से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उत्सुकता देख सकते हैं आप लोगों इनकी। एक भाई है हमारे साथ, ये बहुत भावुक दिखाई दे रहे हैं, इनसे बात करते हैं, कैसा लग रहा है, भावुक क्यों है आप? सर, हम भावुक इसलिए है कि ऐसे दो महावीर भक्तों को राम भूमि के दर्शन के लिए देख ऐसे आ रहे हैं,
लेट लेट करके आ रहे लोग, इन लोगों को तो दिल से सैल्यूट है सर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये राम मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ से राम मंदिर के लिए दर्शनार्थी श्रद्धालु एंटर करते हैं, उसके बाद अंदर जाके राम लला का प्रवेश द्वार आता है, फिर श्रद्धालुओं को दर्शनार्थियों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे कि हमारे बीच कुछ दो श्रद्धालु बिजनौर से आए हुए हैं। यहाँ पर लगातार 1.5 किलोमीटर से लगातार इन्होंने लेट कर यहाँ पहुंच चुके हैं। अब अंदर जाएंगे, ये प्रभु श्री राम के यहाँ को दर्शन करेंगे, दर्शन को पाएंगे। अभी हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये जो राम लला का मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है, वहां पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद ये राम लला के दर्शन करेंगे। ये फिर इनको क्या कैसा सौभाग्य है, ये अनोखे भक्त हैं प्रभु श्री राम के, जो लेट कर लगातार 2 से 2.5 किलोमीटर तक लगातार लेट के आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। प्रभु श्री राम की भक्ति ऐसी है कि दुनिया की भक्ति की तस्वीर देखने को मिलती है। प्रभु श्री राम के दर्शन, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भक्त आए हुए हैं हरिद्वार से, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब कहाँ से हो? हनुमानगढ़ से, हम बिजनौर के रहने वाले हैं, हरिद्वार से चलने का थे। हरिद्वार से चलने क्या हो, यहाँ लगातार कितनी दूर से आप ऐसे यात्रा करके आ रहे हो, रामलला के दर्शन करने जा रहे हो? हम हमारे कल काली परिक्रमा थी जो हम जल्ले गए थे हरिद्वार से, वो पूरा गया। आज हमारा हनुमान मेला का प्रसाद है, राम जी को भेंट करना है। 5 प्रतिष्ठा हो चुकी है प्रभु श्री राम की, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जय श्री राम, एक बार जोर से जय श्री राम। तो आप लोग देख सकते हैं, ये अनोखी भक्ति एक हमारे साथ और है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हो? मैं हम दोनों भाई के साथ ही हूँ। लगातार कितनी देर से आप ये लेट की यात्रा कर रहे हो? हनुमानगढ़ जा रहे हैं। प्रभु श्री राम की 5 प्रतिष्ठा हो चुकी है, दूसरी परिक्रमा है, 5 परिक्रमा करनी है। अच्छा, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रभु श्री राम के अनोखे भक्त हैं, जो कि हरिद्वार से जल लेके यहाँ पर पहुंचे थे साइकिल से यात्रा करके, उसके बाद ये लगातार यहाँ से हनुमानगढ़ी से बिना रुके हुए लगातार दर्शन करने के लिए रामलला के लेट के जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कितनी कठिनाइयों के साथ ये दर्शन करने रामलला के जा रहे हैं, कितने अनोखे भक्त हैं प्रभु श्री राम के। लिए हमारे साथ एक राम भक्त और हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आपको कैसा लग रहा है ये? कैसा लग रहा है? राम की नगरी अयोध्या में। कहाँ से हो? कलकत्ता से आए। हाँ जी, ये एक भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, दो एकदम लेट के यात्रा कर रहे हैं, रामलला सरकार के दर्शन करने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? फर्स्ट क्लास लग रहा है जी। ये सब नसीब वालों को देखने को मिलता है कि रामलला की नगरी में ये सब देखने को मिल रहा है अपने को, और क्या चाहिए? जो हम लोग पूर्वज लोग नहीं देख पाए, जो हम लोग को देखने का मौका मिल रहा है, और क्या चीज चाहिए सर राम की नगरी में? यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जो थे उनको मानकर, इन लोगों को मानकर लोग इनके पाँव भी छू रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि रामलला के ये लोग दर्शन करने जा रहे हैं।